Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. Assalamualaikum, आज हम पाया बनाने जा रहे हैं. उसके लिए हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है. हम उसमें एक बड़ी प्याज ऐड कर देंगे स्लाइस करके. दोस्तों, हमने पहले भी पाए की रेसिपी अपलोड की है जिसमें पाए को किस तरह साफ करते हैं और पकाते हैं मैंने पूरा वीडियो बना के बताया है. ये रेसिपी अलग तरीके की है. 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा नमक, हमने 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लिया है. मिर्ची, हल्दी और धनिया ये भी डाल देंगे हम. इसमें 1/2 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं. हमने इसमें अभी ऑयल ऐड नहीं किया है. एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे. हम इसे प्रेशर कुक कर लेंगे. पहले हम हाई फ्लेम पर 1 विसल तक इसे पकाएंगे. बाद में फ्लेम को बिल्कुल लो करके 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे. इन चीज़ों को हम 2 से 3 विसल तक पका लेंगे. बाद में इसे चेक करेंगे. 3 विसल तक हमने प्याज और मसालों को पका लिया है. प्याज और मसाले आपस में अच्छी तरह से पक गए हैं. हम इसमें अब पाए ऐड कर रहे हैं. हमने 4 पाए यूज़ किए हैं जिसे हमने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है. पाए को किस तरह साफ करते हैं उसका वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे ज़रूर देखें. एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे. हम इसे अभी दोबारा पकने देंगे. पहले हाई फ्लेम पर 1 विसल तक, उसके बाद फ्लेम को लो करके हम 15 से 20 मिनट पाए को पकने देंगे लो फ्लेम पर. 15 से 20 मिनट हो चुके हैं पाए को पकाते हुए. हम पाए को चेक कर लेते हैं. आप देख सकते हैं कि पाए अच्छी तरह गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं. अगर आपको लगे कि पाए सॉफ्ट नहीं हुए तो आप कुछ और वक्त के लिए इसे पका लें. हम फ्लेम ऑन करके हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से पाए को भून लेंगे 2 से 3 मिनट. हाई फ्लेम पर हमने पाए को अच्छी तरह भून लिया है. पाए भुना के रेडी हो गए हैं. हम फ्लेम को बंद करके इसका तड़का तैयार कर लेते हैं. हमने 1 टुकड़ी दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची और 4 लौंग ले लिए हैं. 1 कढ़ाई में हमने 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है. उसमें हम तेज़पत्ते ऐड कर देंगे 2 से 3, ये सब भी ऐड कर देंगे हम. 1 टीस्पून ज़ीरा. आधे मिनट तक मसालों को ऑयल में फ्राई करने के बाद हम इसमें 1 छोटी प्याज डाल देंगे. हमने इसमें ज़्यादा प्याज ऐड नहीं करना है, बस छोटी सी 1 प्याज हमने ऐड की है. प्याज को गोल्डन होने तक हम भून लेंगे. प्याज का कलर गोल्डन हो चुका है. हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है. हम इसमें 2 टेबलस्पून गेहूं का आटा डाल देंगे. फ्लेम को लो रख के हम आटे को अच्छी तरह से भून लेंगे प्याज के साथ. अच्छी तरह से आटा भुना गया है, इसमें हमें 1 मिनट लग गई है. हम इसमें अब पानी ऐड कर रहे हैं. थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी ऐड करना है. हम इसमें टोटल 1/2 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं. फ्लेम को हमने हाई रखा है. हम इसमें पाए ऐड कर रहे हैं. अच्छी तरह से हम सारी चीज़ों को मिला लेंगे. हमने प्रेशर कुकर को धोकर भी इसमें 1/2 कप पानी और ऐड कर दिया है. हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जो हमने घर पर बनाया है. हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. 4 टेबलस्पून दही, इसे हमने बीट कर लिया है. दही डालते वक्त हमने फ्लेम को लो किया है. हम दही डालते जाएंगे और इसे चलाते जाएंगे. अच्छी तरह से इसमें बॉईल आ गया है.
हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्चियाँ ऐड कर देंगे इस तरह से, इसकी डंडी के साथ इसका फ्लेवर अच्छा आता है। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो इसे मत डालें। फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और इसे कवर करके हम 10 मिनट पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि ग्रेवी बिल्कुल अच्छी तरह से क्रीमी हो जाए। हमने 12 से 15 मिनट लो फ्लेम पर पाए को पका लिया है। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनी है। हम इसे और थिक नहीं करेंगे, पाए का थोड़ा लिक्विड शोरबा ही खाने में अच्छा लगता है। बस परफेक्ट ग्रेवी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें, ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले।